आप यहाँ पीड़ित लड़की को किस आश्वासन दिया? देखिए, इस घटना की जानकारी हमें मिली तो हमने अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी इस बात की जानकारी दी और आज हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि एक माइनर लड़की के साथ ये बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही और सरकार का हनक खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन एकदम पंगु है और अपराधी बेखौफ उत्तर प्रदेश में चाहे बैंक लूट रहे हैं, चाहे डकैती कर रहे हैं, चाहे फिरौती मांग रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, चाहे वो शाहजहांपुर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हमारे कौशाम्बी की घटना हो, आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई, पुलिस का नियंत्रण एकदम खत्म हो चुका है, पुलिस मूक दर्शक बनी है। जब कोई घटना घटती है उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, उसके पहले कोई संज्ञान नहीं लेती। यहां तक कि थानों में बड़े पैमाने पर जो है लोग भगाए जाते हैं, FIR तक नहीं लिखी जाती और उनसे सुविधा शुल्क मांगा जाता है, पीड़ित से ही सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम पंगु है, पुलिस प्रशासन एकदम निरंतर समाज Yeah।